अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं मसाले वाली चाय। ये बहुत सिंपल सी है और बहुत अच्छी होती है। इसकी तासीर गर्म होती है, विंटर्स हैं, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, घर पर हैं, तो ये चाय बनाने से आपको अच्छा भी लगेगा। और चाय किसे पसंद नहीं होती है, तो आपको चीज़ें दिखा देते हैं। ये 3 कप्स ऑफ वाटर है, मैं 2 कप बना रही हूँ, लेकिन क्योंकि हमने पत्ती को अच्छी तरह पकाना होता है तो पानी आपको ज़्यादा चाहिए होता है। 3 कप पानी है। ये ऑलमोस्ट हाफ अ कप ऑफ मिल्क, हाफ अ कप से ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि हमें दूध वाली चाय ज़्यादा पसंद है। और रंग देखकर आप बता सकते हैं अगर आपको और दूध ऐड करना है या स्ट्रॉन्ग, जिस आपकी मर्जी। यहाँ पर आप देख लें, ये अदरक है यानी कि जिंजर, हाफ अ इंच आपने अदरक लेना है। उसे भी आपने हाफ करके फिर यूं लंबे स्ट्रिप्स में काट लें, या बेशक 2 टुकड़े कर आप बीच में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 4 से 5 अदद सब्ज इलायचियाँ हैं, कार्डमम्स हैं ग्रीन वाले, 2 सिनेमन स्टिक्स हैं, दालचीनी, 2.5 टेबल स्पून ऑफ शुगर है, आपकी मर्जी है कम या ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। वो पकते वक्त हम उसको चेक कर सकते हैं, चीनी को भी। पत्ती में 3 इस्तेमाल कर रही हूँ टी बैग्स, आप खुली पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 2 टेबल स्पून बन जाएंगे। तो अब आपको दिखाते हैं कि चाय कैसा बनानी है। चूल्हे पे हमने देगची रखी हुई है, पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद इसमें आपने इलायची, दालचीनी और अदरक डाल लेना है। जब इसमें एक बॉयल आता है तब हम इसमें पत्ती ऐड कर लेते हैं, ताकि ये है कि जितने भी हमने बीच में चीज़ें डाली हैं वो पानी में अपना जो फ्लेवर है वो इन्फ्यूज़ कर देती हैं। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर वन बॉयल। चंद ही मिनट बाद आप देखेंगे कि पानी में से लिटरली इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है सारे मसालों की। यहाँ पर अब हम पत्ती ऐड कर लेते हैं, चीनी, और इसे दोबारा सिर्फ 1 मिनट देते हैं ताकि पत्ती जो है अपना रंग छोड़ दे बीच में। और उसके बाद हम बीच में दूध ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छी तरह, ताकि दूध और पत्ती बिल्कुल एक जान हो जाए और जो जायका है वो दूध का इसके मसाले के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर इसको अब हम बिल्कुल लो टू मीडियम के दरमियान में हीट को कर देते हैं। आप देख ही रहे हैं कि साथ ही साथ इसमें बॉयल आना शुरू हो जाता है, तो इसको 1 मिनट दे देते हैं ज़रा। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक और ट्रिप आपको बता, लेकिन ये एक टिप है। यहाँ पर आप बेशक 1 कप और पानी डालकर, ये कहवा भी बन चुका हुआ है, इसमें आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर यानी कि लेमन कहवे की तरह भी पी सकते हैं, लेकिन हम चाय बना रहे हैं तो मैं अब इसमें दूध ऐड करने लगी हूँ। दूध ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। अगर आपको स्ट्रॉन्ग पसंद है तो दूध जितना मैंने आपसे कहा था वो काफ़ी है, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी तो आप इसमें दूध और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ इसको एक उबाले का वेट करना है। जब ये बॉयल हो जाएगा तो हमने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम हीट पर रख कर पका लेना, और आपकी चाय तैयार है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको टाइम दे दिया है, रंग भी बहुत खूबसूरत बन गया हुआ है, इट्स डार्क। इफ़ यू वॉन्ट इट मिल्की थोड़ा और मिल्क ऐड कर लें, लेकिन राइट नाउ इट्स परफेक्ट। इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं और कप में डाल लेते हैं। तो जनाब, ये रही आपकी मसाले वाली चाय। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।